जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला और राहुल गांधी कह रहे हैं कि कंधार की जब घटना हुई है तो बीजेपी जिम्मेवार है अजहर को रिहा करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि संक्षेप में अगर एक वाक्य का उपयोग करना हो तो राहुल गांधी इज अ विक्टिम ऑफ सिलेक्टिव लर्निंग ऑफ हिस्ट्री एंड फारूक अब्दुल्ला इज अ विक्टिम ऑफ सिलेक्टिव रिकॉल ऑफ हिस्ट्री। और अभी मैं 2 क्षण में आपको इसकी व्याख्या कर दूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ये सब समझते हैं कि मीडिया वाले तो इतनी जल्दी में हैं ब्रेकिंग न्यूज करने की, तो उनको तो कोई विश्लेषण करने का समय नहीं है, अध्ययन का समय नहीं है। और दूसरे लोग भी तो गायबाना जो हवाबाजी में बात है उसी में उलझ जाते हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि जब कंधार के घटना के बाद उन मुसाफिरों को, यात्रियों को छुड़ाने के लिए देश भर में मांग की जा रही थी, तो वाजपेयी सरकार ने सबके सब विपक्षी दलों को चर्चा में इन्वॉल्व किया, उनका मत हासिल किया और फिर आगे की कार्रवाई तय की। और उन विपक्षी नेताओं में से प्रमुख और सबसे पहले शायद जिनके साथ चर्चा हुई वो राहुल गांधी जी की माताजी सोनिया गांधी थी। इसका मतलब वो भी जिम्मेवार है। और जहां तक फारूक अब्दुल्ला साहब का संबंध है, वो ये बड़ी सरलता से भूल रहे हैं कि वाजपेयी सरकार के दौरान वो एनडीए का हिस्सा थे, लिहाजा एनडीए सरकार के हर निर्णय में उनकी भी शमूलियत देखी जानी चाहिए। यही नहीं, कंधार के विषय की जिम्मेवारी थी विदेश मंत्रालय को।